पत्ता भी खड़के तोड़े हो बिजली से खड़के दर्द जवानी का सताए बड़ बड़ के। संगीतकार सी रामचंद्र इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मोहम्मद रफी से कहा, देखो ये छोटी सी चीज है और तलत ने कैसे मेरे पॉइंट को समझ लिया। सी रामचंद्र अब भी नहीं रुके, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से आगे कहा, मुझे मालूम है तुम इसे कर नहीं पा रहे हो, तुमने इतने पैसे बना लिए हैं कि अब ज़रा सी भी मेहनत नहीं करना चाहते। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 24 दिसंबर को हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन पड़ता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी दुनिया में 3 दशक से ज़्यादा काम किया, लेकिन जानकारों का मानना है कि इतने लंबे समय में उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी को कोई कठोर शब्द नहीं कहा, किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं की, जो मिला उसी में मस्त रहे। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उनके करियर में एक मौका ऐसा आया था जब उन्हें ज़बरदस्त गुस्सा आया था और इस गुस्से में उन्होंने उस समय के टॉप संगीतकार सी रामचंद्र को पलट कर एक करारा जवाब दिया था। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्यों आ गया था मोहम्मद रफ़ी को गुस्सा। संगीतकार सी रामचंद्र हिंदी फिल्म संगीत जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। सी रामचंद्र का पूरा नाम है रामचंद्र नरहार चितालकर, जिन्हें कुछ लोग चितालकर कहकर भी बुलाते हैं। दोस्तों, सी रामचंद्र 40 के दशक के पहले से ही फिल्म संगीत में सक्रिय थे और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया था। उस दौर में सी रामचंद्र इसलिए भी मशहूर हुए थे क्योंकि 50 के दशक और 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर से कई यादगार और अमर गाने गवाए थे। पत्ता भी खड़के तोड़े हो बिजली से खड़के दर्द जवानी का सताए बड़ बड़ के। कवि गीतकार प्रदीप के ए मेरे वतन के लोगों का लता मंगेशकर का गाना भी सी रामचंद्र ने ही तैयार किया था। दोस्तों, इसके पहले कि हम सी रामचंद्र और मोहम्मद रफ़ी के बीच के छिड़े विवाद का जिक्र करें, ये जान लेना ज़रूरी है कि मोहम्मद रफ़ी और सी रामचंद्र का रिश्ता कैसा था, इस घटना का बैकग्राउंड क्या था। जानकारों के अनुसार सी रामचंद्र को जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास का करीबी माना जाता था और अनिल विश्वास और संगीतकार नौशाद के बीच 36 का रिश्ता था। संगीतकार अनिल विश्वास का मानना था कि संगीतकार नौशाद को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संगीतकार अनिल विश्वास और सी रामचंद्र दोनों के चहेते गायक थे तलत महमूद। जानकारों के अनुसार अनिल विश्वास को मोहम्मद रफ़ी की गायकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। अब आते हैं संगीतकार सी रामचंद्र और मोहम्मद रफ़ी के रिश्ते पर। दोस्तों, इस विवाद से पहले संगीतकार सी रामचंद्र ने 1947 से लेके 1952 के बीच मोहम्मद रफ़ी से अपनी कई फिल्मों में गाने गवाए थे। जानकारों का मानना है कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने के दौरान सी रामचंद्र ने अपने गानों में मोहम्मद रफ़ी का खूब इस्तेमाल किया था। इस विवाद से पहले मोहम्मद रफ़ी ने सी रामचंद्र की फिल्में सगाई और साकी के लिए कई लोकप्रिय गाने गाए। मोहब्बत बन के जो बरसी है दिल पर, न जाने वो घटा आई किधर से। ये गाना है फिल्म सगाई का, जो आई थी 1951 में। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है लता मंगेशकर ने।
और इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। उधर से तुम चले और हम इधर से मोहब्बत हो गई। सगाई के बाद मोहम्मद रफी ने संगीतकार सी रामचंद्र के लिए 1952 में आई फिल्म साकी के लिए भी गाने गाए थे। धीर चलाओ ये दिल निशाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। दोस्तों 1952 के बाद 1954 में संगीतकार सी रामचंद्र की एक फिल्म आई थी कवि। यही है वो फिल्म जिसके एक गाने के रिहर्सल के दौरान सी रामचंद्र और मोहम्मद रफ़ी के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई थी। दोस्तों ये बात है जनवरी 1954 की। फिल्म कवि में गीतकार राजेंद्र कृष्ण का एक गाना है, कविता नाम है ज्ञान का, इसे लिखने वाला ज्ञानी। इस गाने को गाना था मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद को। ये वक्त था 1954 का। 1954 तक गायक मोहम्मद रफ़ी गायकी में बड़ा मुकाम हासिल कर चुके थे और काम की अधिकता की वजह से काफ़ी व्यस्त रहने लगे थे। लाहौर में एक गाने के लिए 25 रुपये और 1944-45 में बंबई में 300 रुपये पाने वाले मोहम्मद रफ़ी का मेहनताना अब बढ़कर हजारों रुपये हो चुका था और हर दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही थी। तो दोस्तों हुआ ये कि संगीतकार सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफ़ी से इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले आखिरी रिहर्सल पर आने को कहा। इस पर व्यस्त चल रहे मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार सी रामचंद्र से गुजारिश की कि इस आखिरी रिहर्सल को भी उसी दिन सुबह रखा जाए जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। मोहम्मद रफ़ी ने सी रामचंद्र को भरोसा दिलाया कि वो रिहर्सल और रिकॉर्डिंग दोनों एक ही दिन में मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद रफ़ी की बात मान संगीतकार सी रामचंद्र ने फिल्म कवि के इस गाने की आखिरी रिहर्सल की तारीख पक्की कर दी और तय दिन पर मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद सहित सभी लोग रिहर्सल के लिए स्टूडियो पहुंच गए। गाने की रिहर्सल शुरू हुई। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद को गाना था। दोनों का युगल गीत था ये गाना। मोहम्मद रफ़ी ने अपने हिस्से का गाना गाया लेकिन संगीतकार सी रामचंद्र को ये ठीक नहीं लगा। उनके हिसाब से ये वैसा नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से कहा कि उन्होंने कहा था कि वो दोनों चीज़ें मैनेज कर लेंगे लेकिन अब वो इसे कर नहीं पा रहे हैं। संगीतकार सी रामचंद्र इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से कहा, देखो ये छोटी सी चीज़ है और तलत ने कैसे मेरे पॉइंट को समझ लिया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी पर कटाक्ष किया ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। सी रामचंद्र अब भी नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से आगे कहा, मुझे मालूम है तुम इसे कर नहीं पा रहे हो, तुमने इतने पैसे बना लिए हैं कि अब ज़रा सी भी मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे प्रशिक्षित गायक का क्या फ़ायदा जो किसी गीत को संगीतकार के मन मुताबिक न गा सके। दोस्तों इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमेशा चुप रहने वाले मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार अपना मुंह खोला। उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र को पलट कर जवाब दिया, तुम मेरे पैसे से जलते हो। इसके बाद तो दोनों तरफ से शब्दों के तीर चले। सी रामचंद्र ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी नौशाद की देन है। सी रामचंद्र की इस बात पर भी मोहम्मद रफ़ी ने करारा जवाब दिया। जानकारों का मानना है कि संगीतकार सी रामचंद्र की बात मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा बुरी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के समकक्ष तलत महमूद के सामने उनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद फिल्म कवि के इस गाने के रिकॉर्डिंग तो हुई और इसमें तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने गाया भी, लेकिन दोस्तों इसके बाद वही हुआ जो होना था। संगीतकार सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफ़ी को अपने रोस्टर से हटा दिया जबकि तलत महमूद को गायक नंबर 1 की जगह दी गई। इसके बाद काफ़ी समय तक सी रामचंद्र और मोहम्मद रफ़ी ने साथ काम नहीं किया।
वक्त बीता और जख्म भरे तो दोनों फिर साथ आए फिल्म बारिश में। साल था 1957। अरे देख के मुंह से निकले हाय, सूरत हो तो ऐसी हो। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थे तलत महमूद और खुद सी रामचंद्र और फ्रांसिस वाज। एक नजर में दिल ले जाए, सूरत हो तो ऐसी हो। गाने के लिए मोहम्मद रफी के पास संगीतकार सी रामचंद्र का फिर प्रस्ताव आया साल 1957 में ही। इस बार पुराने विवाद की कड़वाहट तो उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गई जब मोहम्मद रफी ने सी रामचंद्र के लिए गाना गाया। फिल्म का नाम था नौशेरवाने आदिल। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफी का ये गाना उनके सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक है। जानकारों का ये भी मानना है कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ जो दो डुएट्स गाए हैं वो भी उनके सर्वश्रेष्ठ युगल गानों में गिने जाते हैं। हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुल सितारा। इसमें लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी का बड़ा खूबसूरत साथ दिया है। इस फिल्म का दूसरा डुएट है ये। इस गाने में भी लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी का बड़ा खूबसूरत साथ निभाया है। आया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म नौशेरवाने आदिल के गाने इतने खूबसूरत तरीके से गाए कि सी रामचंद्र के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हम हो ना हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। जानकारों का मानना है कि दरअसल जब मोहम्मद रफ़ी के पास सी रामचंद्र का प्रस्ताव आया था तो मोहम्मद रफ़ी को उनके साथ हुई कटुता का मलाल था और उन्होंने तभी सोच लिया था कि इस बार वो गानों में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कहते हैं किसे चांदनी है नूर मोहब्बत। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ तुम मुझे हो बुला न पा।